नमस्कार दोस्तों, रानी किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पपीते, पके हुए पपीते के लड्डू की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आपको पता ही होगा कि पपीता कितना सुपाच्य होता है, तुरंत पच जाता है पका हुआ पपीता। तो आज हम उसी की लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर पर पेट के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक पका हुआ पपीता लिया था, इसको इस तरह से बारीक काट लिया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मैंने इसको प्यूरी बना दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसका बारीक जो है पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। घी को मेल्ट होने देते हैं। दोस्तों, इसे आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इसके लड्डू और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो इसे मेल्ट होने देते हैं घी को। अब जो मैं पपीते की प्यूरी मैंने बना के रखी है, इसको इसमें डाल दूँगी। ये लीजिए, मैंने डाल दिया। इसे चला दूंगी। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड। बहुत ही ये लड्डू जो है दानेदार बनके हमारे तैयार होंगे। इसको लगातार चलाते हुए हमें थोड़ी देर भूनना है। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे एक कच्चे पपीते की बर्फी की रेसिपी शेयर की हुई है पहले से। आज मैं लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें घर पर, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और मैं इसको सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मैंने ना खोया का इस्तेमाल किया है, ना मिल्क पाउडर, ना दूध। मैं इस तरह से सिंपल बना रही हूँ लड्डू। देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। इसे भून लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चीनी ली है। वैसे तो पपीता मीठा होता है, इसमें चीनी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो बिना चीनी के भी इसे बना सकते हैं। इस तरह से बिना चीनी का भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। चीनी के साथ इसे हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। मिश्रण थोड़ा सा देखिए गाढ़ा हो गया है। तो मैंने यहाँ पे 3 इलायची को इस तरह से दरदरा कूट लिया है, इसको डाल दूँगी, क्योंकि लड्डू में जो है इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। फैन इसे भी हम इसमें भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसमें बहुत प्यारा कलर दिया आया है। मैंने कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं इस तरह से बिना कलर का बना रही हूँ। इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है, नहीं तो हमारा मिश्रण जो है कढ़ाई में सज जाएगा और जल जाएगा। इसे इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही दानेदार लग रहे हैं कि मोतीचूर के लड्डू मैं बना रही हूँ। बहुत ही देखिए, इस तरह से दाने पड़े हुए हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। बस इस स्टेज पर मैं डालूँ यहाँ पे मूंगफली को। मैंने इस तरह से पीस लिया है, थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी ताकि टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाए। और इसको भी हम इसमें मिक्स कर दूँगी। तो मिश्रण हमारा देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है और ज़्यादा भी इसे बनाने में समय भी नहीं लगता है फ्रेंड। बस ये 3-4 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और याद देख पा रहे होंगे कि ये कढ़ाई जो है छोड़ने लगा है। बस हमें इसी तरह का मिश्रण चाहिए लड्डू बनाने के लिए। तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ ठंडा होने के लिए। इसके बाद लड्डू बन स्टार्ट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारा पपीते का मिश्रण बिल्कुल लड्डू के लिए तैयार हो गया है बन के। तो बिल्कुल ठंडा हो गया है, आँच से छू पा रहे हैं। तो थोड़ा सा मिश्रण इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से गोल लड्डू की तरह बना दूंगी। लड्डू आप अपने मन पसंद से थोड़े से छोटे और थोड़े से बड़े बना सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। ये देखिए, मैंने इसको लड्डू की तरह गोल बना लिया है। मैंने यहाँ पे मूंगफली के कुछ पाउडर बचा के रखे थे, इसमें इस तरह से डीप कर दूंगी इसको। आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं बिना मूंगफली के। इस तरह से सारे लड्डू मैं तैयार कर लेती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसमें मैंने मूंगफली का पाउडर लगाया हुआ है और ये बिना मूंगफली के पाउडर लगाए हुए हैं। इस पर मैं थोड़ा सा काजू का गार्निशिंग कर देती हूँ। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के जैसे लड्डू, बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट बने हैं फ्रेंड। ये लड्डू आप ज़रूर बनाइएगा एक बार घर पर, और अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो ये लीजिए, बिल्कुल मार्केट की जैसे हमारे लड्डू बनकर के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है फ्रेंड। तो आज के हमारे लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।